नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 38 है, जो कि आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा था, बार बार रिपीट हो, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से टंगस्टन का प्रयोग रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? आप बताएंगे टंगस्टन धातु की खोज टॉर्नबर्न वर्गमैन ने 1781 ईस्वी में की थी। कब की थी? टॉर्नबर्न वर्गमैन ने 1781 ईस्वी में टंगस्टन धातु की खोज की थी। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका जो क्वांथनांक होता है वह 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दो, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में तथा कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यानी उपयोग सभी में प्रयोग किया जाता है निकेल कैडमियम बैटरी का। निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आप बताएंगे? इसका उपयोग कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ट्रांजिस्टर में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीन, एक मकान में दो बल्बों में से एक बल्ब दूसरे बल्ब से अधिक चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा? तो दोस्तों आप बताएंगे मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अधिक विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाला बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है, अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा तथा कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर चार, मानव शरीर का भार होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे मानव शरीर का जो भार होता है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि होती है, जबकि जो भार होता है पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का जो भार होता है वह अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है। यह भार परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर रोटेशन के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो निम्नलिखित कथन के बारे में सत्य है। ध्वनि का वेग होता है दोस्तों मौसम पर निर्भर नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सर्दी और गर्मियों में एक समान होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, ये ऑप्शन ध्वनि के वेग के बारे में सही है। दोस्तों, ध्वनि का वेग होता है वह सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर छः, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंक्चर आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से इथेनॉल का प्रयोग टिंक्चर आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल होता है, जिसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन रेलवे ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर सात, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से जो पोटेशियम होता है ये ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पोटेशियम जो होता है ये एक रासायनिक तत्व होता है, जिसे के रूप में डिनोट किया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? इसे के रूप में डिनोट किया जाता है। यह आवर्त सारणी में
प्रथम समूह का तत्व होता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है, जबकि इसका परमाणु भार जो होता है 39.09 होता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से अमोनियम क्लोराइड जो होता है यह ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड के बारे में। ये एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका अणुसूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl इसका अणुसूत्र होता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि जल में अत्यधिक विलय होता है। दोस्तों एक टर्म आया ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ये होता क्या है? तो दोस्तों बात करते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के बारे में। एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से नाइक्रोम में निम्न प्रतिरोधकता होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो दोस्तों आप बताएंगे जो प्लेसेंटा होता है यानी गर्भनाल, यह मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करता है तथा इसी वजह से बच्चा माँ के गर्भ में जीवित रह सकता है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का कार्य करता है। गर्भनाल शरीर में लैक्टिजन के बनने में मदद करता है जो कि माँ के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, जब कोई जहाज नदी से सागर में उतरता है तो क्या होता है? तो आप बताएंगे दोस्तों जब कोई जहाज यानी शिप नदी से सागर में उतरता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, यानी नदी के जल का घनत्व कम होगा जबकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। इसलिए समुद्र के जल में जब जहाज प्रवेश करता है तो उस पर प्लावन बल लगने लगता है जिसके कारण जहाज कुछ ऊपर उठने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों आप बताएंगे सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितना मिनट लगता है, आप बताएंगे 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी 500 सेकंड बराबर 8 मिनट 20 सेकंड। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य के प्रकाश किस माध्यम से धरती तक पहुंचता है? आप बताएंगे यह रेडिएशन मीडियम के द्वारा धरती तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? तो दोस्तों आप बताएंगे एकाइनोडर्मेटा जो होता है वह विशेष रूप से मुक्त रूप से समुद्री जीव होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों सामान्यतः यह समुद्री जंतु होते हैं, इनके शरीर पर कटिकाएं पाई जाती इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा पड़ा है। इनका नामकरण जेकब क्लीन ने 1738 ईस्वी में की थी। कब किया था? जेकब क्लीन ने 1738 ईस्वी में इनका नामकरण किया था। इनमें उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता था, तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से जो स्नेल होता है यह अपना लिंग बदल सकता है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे ALP 2018 में बन चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, जब टीवी को स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों जब टीवी को स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों टीवी को स्विच ऑन करने पर साउंड एंड विजुअल दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, परंतु टेलीविजन में
ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, फ्यूज एक सिद्धांत है। तो दोस्तों आप बताएंगे, फ्यूज एक विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातु का बनाया जाता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से यह विशेष उपयोगी होता है। यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो दोस्तों आप बताएंगे, निम्नलिखित में से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर बल की परिभाषा को व्याख्यायित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से पौधे का नर जनन अंग होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे, निम्नलिखित में से पौधे का जो नर जनन अंग होता है वह पुंकेसर को कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से एक बहुकोशिकीय जीव है। तो दोस्तों आप बताएंगे, निम्नलिखित में से एग्रीकस जो होता है यह बहुकोशिकीय जीव होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं पैरामीशियम के बारे में। दोस्तों पैरामीशियम जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। यह जो होता है सीलिया के सहायता से गति करता है। कैसे गति करता है? यह सीलिया के सहायता से गति करता है। बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। दोस्तों साइनोबैक्टीरिया जो होता है यानी नील हरित शैवाल, यह नीले रंग का जीवाणु होता है, इसलिए इसका नाम साइनो पड़ा। क्या नाम पड़ा इसका? इसका नाम साइनो पड़ा है क्योंकि यह नीले रंग का जीवाणु होता है। दोस्तों बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तथा ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती। तो आप बताएंगे, निम्नलिखित में से लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इस वीडियो की PDF आप SSC मेकर टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।